भारत के सभी किसान, खास करके कपास उत्पादक किसान और उसमें भी खास करके महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसानों को कॉटन गुरु का सादर नमन। हम जानते हैं आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या दुविधाएं आपके सामने हैं, क्योंकि आज कपास की खेती करके हमें 400 साल हो गए। ये हमारी चौथी पीढ़ी है इस कंपनी में, कॉटन गुरु कंपनी में, जिसको 115 साल हो गए। इन 100 सालों में हमारे इमीडिएट फैमिली ने बहुत ऊंच नीच देखी है, लेकिन एक चीज़ से हम जुड़े रहे हैं, वो है कपास की खेती। हमने कपास की खेती तब भी की थी 100 साल पहले, आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने और कुछ चेंजेस भी किए हैं। हम आगे बढ़ने के लिए वो चेंजेस ना करते तो शायद हम भी पीछे रह जाते। आज मैं चारों साइड देखता हूँ कि भारत में किसानों की क्या परिस्थिति है, तो बहुत दुख होता है कि जैसे हम आगे बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों किसान हमारे जैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो कुछ हमें लगती हैं आपको यहाँ से आगे ले जा सकती हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ मुश्किलात जो आपके सामने आ रही है और आगे भी आ सकती है उसके बारे में बताऊँगा, और कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट के बारे में हम आपको कंटिन्यूस बताते रहेंगे, जो आपको आज की बाज़ार क्या है और 6 महीने बाद रुई की बाज़ार क्या रहने वाली है, इसके बारे में आपको थोड़ा हिंट दे दे, ताकि आप अपनी सोइंग की प्लानिंग और आप अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग अच्छी तरह कर सकें। तो हमारा फोकस आजकल FPO पे है, सरकार का फोकस भी FPO पे है। आप में से बहुत सारे किसान FPO बना चुके हैं। भारत में करीबन 3000 से ऊपर FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक संगठन, पर आज 6 लाख गांव में किसान बसे हुए हैं। तो इतने सब लाख गांव में किसान बसे हुए होने के कारण FPO जो 3000 हैं वो पर्याप्त नहीं है। आज भारत में 1.5 लाख FPO भी होना तो भी कम पड़ेंगे, इतनी सारी क्षमता FPO में आज है। तो FPO का पोटेंशियल, FPO की क्षमता समझते हुए आप इस पे ध्यान दें कि अगर आप FPO नहीं बनाया है अभी तक आपने, तो FPO तुरंत बनाएं, और FPO अगर बना लिया है तो उस पे आगे आप काम करें, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं। और सबसे पहले FPO में ऐसा क्या एग्जांपल या दाखला कोई दे सकता है कि आपको लगे कि नहीं, FPO में दम है, FPO में फ्यूचर है, FPO में ग्रोथ है, FPO में पैसे हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, और एक एग्जांपल ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। कथा है 1946 में गुजरात राज्य खेड़ा गांव, तब तो महाराष्ट्र गुजरात एक ही स्टेट था, वहाँ पे साउथ दक्षिण की तरफ एक खेड़ा करके गांव है, उस गांव में एक डेयरी थी जिसको सरकार ने मोनोपोली दे के रखी थी दूध खरीदी करने के लिए। डेयरी का नाम था पोल्सन डेयरी। उस गांव में करीबन 100-150 किसान बसते थे, उनका सबके पास गाय भैंस वगैरह थी। वो डेयरी को जब दूध बेचने जाते तो मोनोपोली होने के कारण डेयरी वालों ने उन्हें बहुत ही शोषित किया। शोषण चलता रहा, कई साल तक चलता रहा। बीच में मीडिएटर्स आ गए, आड़ती आ गए, जैसे कपास में अभी भी हैं, वो किसानों का शोषण कर रहे थे और किसानों को दूध के सही भाव नहीं मिल रहे थे। तो उसमें से कुछ किसान एक रात जमा हुए कि अब यहाँ से हमें कुछ रास्ता ढूंढना है, यहाँ से बाहर निकलना है, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। जो शायद आज भारत में कपास के किसान उत्पादक क्षेत्र में स्थिति है, आज का अगर कपास का किसान इमीडिएटली कुछ नहीं करता है तो शायद आपका फ्यूचर बहुत अंधकारमय हो सकता है। तो इस स्टोरी को, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कुछ किसान मिले जिनकी लीडरशिप ली एक बुज़ुर्ग किसान त्रिभुवन दास पटेल ने। वो बोले नहीं, हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ से इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा पतन रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। तो उन्होंने कुछ सोच विचार चर्चा विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उस एरिया के सबसे बड़े लीडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत ही मेहनत से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का समय लिया, उनको मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि मुझे एक बार आपको मदद करना आसान है, एक बार मैं बोल सकता हूँ चलो मैं
पोलसन डेयरी को बोलता हूँ, एक बार आपको भाव ऊपर दे देंगे, लेकिन ये रोज रोज नहीं हो सकता। तो आप भी सोचिए आज के कपास की स्थिति में मैं इसको अगर MSP से जोड़ता हूँ, आपको न्यूनतम भाव जो सरकार से मिल रहे उससे जोड़ता हूँ, हर साल सरकार भाव बढ़ाएगी इस उम्मीद में आप अगर कपास की खेती में टिके हैं, तो ये भी आपके लिए एक जोखिम है। वो आपको एक हद तक सपोर्ट कर सकता है, सरकार आपको एक हद तक सपोर्ट कर सकती है, लेकिन हर साल हर वक्त ये मुमकिन नहीं है। और यही स्थिति 1946 में भी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें बताया कि आप कुछ ऐसा करिए कि आपको पोलसन डेयरी की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उस बुज़ुर्ग किसान त्रिभुवनदास जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो 100-150 किसान इस गांव में बसते हैं, हमारी क्या हस्ती है। तो बोले नहीं, आप अगर एक किसान नहीं, अगर किसान मिल के जुड़ जाते हैं और एक गठ बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं छोटा सा, तो आप उस संगठन के थ्रू आप अगर दूध बेचते हैं तो आपका नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, आप अच्छी तरह आपके भाव को नेगोशिएट कर पाओगे और उस डेयरी को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। इस चर्चा को त्रिभुवनदास जी ने अपने मन में और अपने दिमाग में और अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह बिठा लिया। वो अपने गांव में लौट के गया और सबको बोला हमें ऐसा करना ही है। बहुत वाद विवाद हुआ, कुछ किसान ने उन्हें बोला हमसे नहीं होगा, हमारी हैसियत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, जो आज के किसान और FPO की भी स्थिति है दोस्तों, उनके पास भी आज वर्किंग कैपिटल की कमी है, संगठन की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। वही स्थिति 1946 में भी थी, जबकि मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, फ़ोन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में उन किसानों ने क्या सोचा होगा, पर त्रिभुवनदास जी ने अपनी बात को पकड़ के रखा कि जैसे सरदार जैसा बड़ा लीडर, बड़ा नेता भी ये सलाह देता है, बहुत सोच समझ के दिया होगा। तो उन 100-125 किसानों ने मिल के एक ग्रुप बनाया, एक कंपनी छोटी सी फॉर्म की, उन्होंने उस कंपनी को बाकायदा रजिस्टर किया और वो भारत की पहली क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी। 1947 में ये कंपनी बनी और वो कंपनी आगे जाके क्या बनी है दोस्तों, ये आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 147 फार्मर ने मिला के करीबन 250-350 लीटर दूध रोज़ वो निकालते थे और उन्होंने मिल के एक कंपनी बनाई जो आज 40 लाख लीटर दूध रोज़ उत्पादन करती है। वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आज अमूल के नाम से बहुत प्रचलित है। अमूल का नाम तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा जिसने सुना नहीं होगा। तो अमूल कंपनी, जिसको मेरे हिसाब से एक और नाम हमें देना चाहिए, अमूल्य, ये कंपनी आज अमूल्य इसलिए है कि आज मल्टीनेशनल कंपनी को भी ये टक्कर दे रही है। भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी कंपनी अमूल, 1946 से इसकी यात्रा शुरू हुई, आज 2019 में ताकतवर से ताकतवर कंपनियां भी इसको तोड़ तो नहीं पाई पर इसका प्रोग्रेस भी रोक नहीं पाई है। तो मित्रों, इतना पावर है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। इस बात को अगर हम समझ लेते हैं और इस बात का बोध लेकर हम अगर अपनी प्लानिंग आगे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कपास तो छोड़िए, किसी भी खेती में, किसी भी क्षेत्र में आपका कभी नुकसान हो सकता है। अब इनफैक्ट हम तो दावा करते हैं कॉटन गुरु में कि खेती तो फ़ायदे की ही होनी चाहिए, अगर फ़ायदे की नहीं है तो खेती करना ही नहीं चाहिए। और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे और हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे प्रूव करके दिखाया है कि कपास की खेती में निरंतर फ़ायदा है। कपास की खेती 7000 वर्षों का एक लिखित इतिहास हमारे पास है। भारत 12वीं सदी तक, इनफैक्ट 19वीं सदी तक कपास और कपड़े के निर्यात में वर्ल्ड में नंबर 1 था। तो ये तो हमारा USP, हमारी ताकत है, कपास और सूती कपड़े, एम्ब्रॉयडरी वाली कपड़े, और अपने गांव-गांव की शान है कपास। कितने सारे किसान 7000 साल से कपास की खेती करके प्रोग्रेस करते आ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी 30-40-50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि कपास की खेती में निरंतर नुकसान हो रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होता जा रहा है और कर भी रहा है? तो आपको क्या करना होगा कपास की खेती में, अगर आपको नफ़ा करना है और FPO को आपको आगे ले जाना है तो क्या करना होगा? FPO के लिए हमारी एक मेन सलाह यह है कि आपका एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपकी दीर्घकालीन का एक क्या दृष्टिकोण है उसको आप एक नोट करिए, एक सपना देखिए। सपना देखे बिना कोई राह प्रोग्रेस की मुमकिन नहीं है।
धीरूभाई अंबानी ने भी पेट्रोल भरते भरते एक सपना देखा तब रिलायंस इंडस्ट्री बनी। टाटा ने भी एक सपना देखा होगा तो इतना बड़ा उद्योग बना। बिरला ने भी यही किया होगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कल क्या थे और आज क्या वो बन चुके हैं। हम भी बन सकते हैं दोस्तों। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए सबसे पहला ज़रूरी है एक विजन डॉक्यूमेंट और उसके लिए एक रोड मैप। अगर आपने 3 साल में 5 साल में ये करना ऐसा सोच लिया है तो उसके लिए हर साल के लिए एक रोड मैप आपके लिए ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म गोल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा कैसे करें। आपके ग्रुप में जो जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो जो प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें आप अपना काम डिवाइड करिए। एक को फाइनेंस का काम दीजिए, हिसाब रखने का काम बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस हिसाब के बिना नहीं चल सकता। आपको पैसा मिलने वाला है या मिला है या नहीं मिला है, ये सिर्फ हिसाब ही बताएगा। तो पहले दिन से जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, मतलब आपका एक पार्ट जो है वो हिसाब के ऊपर ही चलता है। तो उसके लिए आपको कुछ लोग पहले से डेप्यूट करने होंगे। तो एक हो गया अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट हुआ उत्पन्न, आपका यील्ड कितना है। आपका यील्ड जितना आएगा उतना ही आपका नफ़ा बढ़ेगा। यील्ड के बिना नफ़ा किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। यील्ड जो है, उत्पन्न या उपज जो है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। सबसे पहला है सीड, दूसरा है सॉइल और तीसरा है वेदर, मतलब बीज, मिट्टी और हवामान। बीज के लिए आपको जेन्यून कंपनी से ही खरीदना है या उनके ऑथोराइज डीलर से ही बीज खरीदना है। बीज का बिल, बीज की थैली और कुछ बीज आपको संभाल के रखने हैं उस थैली में से, कि अगर ये बीज बराबर परफॉर्म नहीं करता है, उसके उपज आपको सही नहीं मिलती है या उसकी गुणवत्ता आपको सही नहीं मिलती है, तो आप बीज कंपनी पे या उस डीलर पे दावा कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो थैली, उसके कुछ सैंपल और बिल, ये आपके प्रूफ होंगे। और आपके लिए भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि ये आपने डाला है, इतनी मात्रा में डाला है और इतनी उपज इसमें से आपको आई है। तो उपज के लिए सबसे मुख्य जो चीज़ है वो बीज है, दूसरा है मिट्टी। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये वर्ड तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपने 2-3 साल में कोई अगर खेती कर रहा है तो ये नहीं सुना है। गवर्नमेंट का भी फोकस है, पर आप तो इस बात को ध्यान से सुनना है कि कभी भी हमें बीमारी आती है या बीमारी आने वाली होती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमें कहता है कि जाके अपना ब्लड टेस्ट करिए, अपना खून जाके तपास करके आइए, उसमें कुछ उसको कमी दिखेगी, उस हिसाब से वो दवाई देता है। सॉइल हेल्थ कार्ड वही काम करता है, अपनी मिट्टी में क्या कम है क्या ज़्यादा है ये देखने के बाद आप उसको सप्लीमेंट करिए। आपकी सॉइल की ताकत बढ़ेगी, आपकी उपज बढ़ेगी, आपके कपास की और दूसरे अन्न धान जो भी आप उगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो तीसरी चीज़ है हवामान, जो अपने हाथ में नहीं है। इस साल हम देख रहे हैं 2019 में मानसून करीब एक एक महीना सब जगह लेट हो चुका है, जिसके कारण बुआई 1 महीना लेट हो रही है। इसका मतलब क्रॉप 1 महीना लेट आएगा, उसका मतलब वेदर में थोड़ा इम्बैलेंस है, इसीलिए खेती पे डायरेक्ट असर हुआ है। अपनी खेती को इस तरह बनाइए कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, बारिश कम आए या ज़्यादा आए, बारिश ना भी आए तो आपको पानी की सुविधा रहे, ऐसे साधन आप कर सकते हैं। सिंचाई एक मुख्य साधन है, इरीगेशन, उस पर आप फोकस करिए। आप पॉइंट्स बना सकते हैं, पानी को कंजर्व कीजिए, एक एक बूंद पानी की जो बारिश में आपके वहाँ गिरती है उसको बचाइए, साल भर आपको काम आएगी। तो इस तरह हवामान को हम थोड़ा बहुत हम उसको फेस करके खेती को बचा सकते हैं, और बचाना आवश्यक है, नहीं तो हमें पैसे खेती में नहीं मिल सकते। तो सीड, सॉइल, वेदर, ये 3 चीज़ों का अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट कर लिया तो आपकी उत्पन्न, आपकी उपज जो है वो बढ़ जाएगी। भारत की जो उपज है वो विश्व में आज बहुत कम मानी जाती है। हमारी गए साल की उपज है 450 किलो प्रति हेक्टर, जबकि विश्व का एवरेज है 750 किलो प्रति हेक्टर। जब तक हम 750 तक नहीं पहुंचते तब तक हमें पैसा खेती में नहीं मिल सकता, हमारा खर्चा नहीं निकल सकता, तो नफ़ा तो कहाँ से मिलेगा मित्रों। तो ये ध्यान दीजिए कि करना ही है, और ऐसे भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, गुजरात में 700 के ऊपर है, लोअर राजस्थान में 1000 तक भी उत्पादन उपज किसानों ने लिया है और ले रहे हैं। भारत में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, पर महाराष्ट्र में इसकी खास कमी हमने देखी गई है, और 400 के नीचे भी महाराष्ट्र में
उपज आ रही है 400 किलो प्रति हेक्टर, ये तो किसी हालत में हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको भाव लेने में बहुत मदद रूप हो सकती है वो है गुणवत्ता। आपके कपास की गुणवत्ता अगर बहुत अच्छी नहीं रही तो आपका खरीददार आपको भाव नहीं देगा या भाव देने से कतराएगा, और आपको अच्छे भाव नहीं मिलेंगे तो आप कमाई नहीं कर सकते। और अब आपके पास उपज है, आपके पास क्वालिटी है। तीसरी चीज़, इन सब इसके बिना अगर आपका कोई भी चीज़ अगर आपकी बैलेंस शीट में अगर डायरेक्टली इफेक्ट करती है तो वो है मार्केटिंग या विपणन। विपणन आपका सही रहा तो अच्छी उपज और अच्छी गुणवत्ता के पूरे लाभ आप ले सकते हैं। मार्केटिंग के बिना आज का किसान बहुत कुछ खो रहा है, और हमने 10 साल के हमारे कंटिन्यू स्टडी में 2007 से 2019 में जो मैं 1,00,000 किसानों को कॉटन गुरु में हम मिल चुके हैं, हम करीबन 8,000 गाँव में पर्सनली जा चुके हैं और हज़ारों वर्कशॉप जो हमने ली हैं उसका सार यही है कि मार्केटिंग में किसान का हाथ कोई नहीं पकड़ता। यहाँ आप कॉटन गुरु पे भरोसा कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। मार्केटिंग के जो जो टेक्निक्स हैं हम आपको फ्री में सिखाएंगे ताकि आप हमारे भरोसे नहीं खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सालों साल आप कपास की और दूसरी खेती में से नफ़ा कमा सकते हैं। तो अब कॉटन गुरु कहाँ कहाँ आपके काम आ सकता है इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी यील्ड कैसे बढ़े, उपज कैसे बढ़े, आपका विजन डॉक्यूमेंट कैसे बने, उसको आप किस तरह छोटे छोटे गोल में आप डिवाइड कर सकते हैं, आप वर्क को किस तरह डेलीगेट कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी अपने ग्रुप में कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज अगर इतना बड़ा ग्रुप है 200, 300, 400, 500 किसान एक FPO में हैं, कैसे उनको कनेक्टेड उनको जोड़ के रखना है, तो इस संगठन को संगठित कैसे रखना है, ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। तो ये हम आपको सिखाएंगे। और सबसे मुख्य, हम आपके मार्केटिंग एडवाइज़र बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल मार्केटिंग एडवाइस हम आपको दे सकते हैं, अच्छे अच्छे बायर से जोड़ सकते हैं। भारत का कोई राज्य नहीं है, हर एक राज्य में कोई ऐसा मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारे खरीदार नहीं हैं। हमारे बायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके बायर हैं जिनर और ट्रेडर और निर्यातकार, तीनों से हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। इन मार्केटिंग लिंकेजेस जो हमारी ताकत है, 100 साल के ऊपर की हमारी जो सप्लाई चेन बनी हुई है, इतने सारे ट्रायल एंड एरर के बाद उसको हम आपके साथ सीधे सीधा जोड़ सकते हैं और आपके अच्छी गुणवत्ता के कपास की मार्केटिंग करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलाने में हम आपकी पूरी तरह मदद कर सकते हैं। और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इससे आपके FPO को नफ़ा होगा और ज़रूर होगा। अब तीन चीज़ों में हम आपको इंसेंटिव दे सकते हैं। कपास में अगर आप अच्छे गुणवत्ता वाले और बिना कचरे और पानी के कपास की डिलीवरी लाके देते हैं तो इसके लिए एक इंसेंटिव हम आपको अपने ख़रीदार से दिला सकते हैं। पानी मतलब मॉइस्चर, एक नमी एक लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। कपास के लिए खेत से निकलने के बाद मिट्टी और पानी दुश्मन रूप है, उसकी गुणवत्ता को बहुत बुरी तरह वो ख़राब करता है और इसी कारण हमारी रुई डिस्काउंट होती है, नीचे भाव में बेचनी पड़ती है, तो आपका खरीदार आपको ऊँचे पैसे नहीं दे सकता है पानी वाले और मिट्टी वाले कपास के लिए। तो कपास में मिट्टी, पानी और कंटेमिनेशन में आता है बाल, प्लास्टिक और बहुत सारा कचरा जो पेड़ों से नहीं आता है, कहीं भी बाहर से आता है। बहुत बार हम कहीं भी ज़मीन पे कपास को रख देते हैं, किसी भी टेम्पो में बैलगाड़ी में कपास को डाल के अंदर कचरा मिट्टी सब जुड़ जाता है, उसका हमें भुगतान देना पड़ता है, खरीदार वो पैसे हमसे काट लेता है। तो ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसान के लिए और ख़ास करके FPO के लिए। क्योंकि अभी आप ऑलरेडी एक संगठन बना चुके हैं तो आपके स्ट्रिक्ट रूल्स में आना चाहिए कि ये नहीं होगा, और ये अगर आप कर देते हैं तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। दूसरा इंसेंटिव है एक ऊँचे जिनिंग आउटन के लिए, आप अगर अच्छे जिनिंग आउटन का कपास ला के देते हैं तो उसके लिए हम 100% आपको इंसेंटिव अपने खरीदार से दिलवाएंगे। कॉटन गुरु ये आपके लिए ज़रूर कर सकता है। भारत में एवरेज उतारा जो है जिनिंग आउटन 34 से 35 का आता है, और अगर आपने 38 के जिनिंग आउटन का कपास ला के दिया तो हम आपको डेफिनेटली गारंटीड इसके लिए इंसेंटिव दिला सकते हैं। तीसरा इंसेंटिव जो आपको मिल सकता है वो आपकी लंबाई के लिए, कपास की लंबाई के लिए जिसको हम स्टेपल लेंथ बोलते हैं, उसके लिए मिल सकता है। अगर 31 मिलीमीटर का
कपास आपके एरिया में कहीं होता है तो उसके लिए एक अलग इंसेंटिव हम आपको दिला सकते हैं खरीदार से। तो कॉटन गुरु ने तीन इंसेंटिव की बात की है। सबसे पहले है कंटेमिनेशन और पानी के बिना का कपास, जिसके लिए कम से कम 100 रुपया प्रति क्विंटल हम आपको इंसेंटिव दे सकते हैं। ये कम से कम कहा है, मैं और एक बार रिपीट करूँगा। दूसरी चीज़ है ज़्यादा जिनिंग आउटन के लिए कम से कम 100 रुपया प्रति क्विंटल। और तीसरी चीज़ है कि ज़्यादा स्टेपल लेंथ, अगर 31 मिलीमीटर की स्टेपल लेंथ है तो उसके लिए भी कम से कम 100 रुपया। मतलब अगर आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं या करके लाते हैं तो कम से कम 300 रुपया प्रति क्विंटल हम आपको अपने ख़रीदार से इंसेंटिव दिला सकते हैं। ये हमारी पूरी मेहनत रहेगी आपके लिए और ये सब जगह पे हमारे ख़रीदार ये देने के लिए रेडी हैं। सपोर्ट आपका चाहिए, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म रेडी है। जितना जल्दी आप ये कर सकते हैं उतना जल्दी आप कपास में नफ़ा कर सकते हैं और आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा रूप बन सकते हैं। तो हम इनवाइट करते हैं FPOs को, किसानों को, कि आप आगे आइए, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। भारत में कपास की बहुत ज़रूरत है। 2018-19 में हमने 10 साल का लोवेस्ट क्रॉप, 10 साल की कम से कम आई हुई फसल देखी है। 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख गांठ के आसपास भारत की उपज होने वाली है। इतना उत्पादन गए 10 सालों में कम नहीं हुआ है, जबकि भारत में रुई की खपत 340 लाख गांठ है। तो आप सोचिए कपास की कितनी ज़रूरत है, पर आपको ज़रूरत है सही यील्ड, सही उपज, सही गुणवत्ता और सही मार्केटिंग की। इसके लिए कॉटन गुरु हमेशा आपके साथ में है। आगे बढ़िए और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जो विश्व ने भारत को दी है और किसान ने भारत को दी है, इसको चूकिएगा नहीं। अब चूक गए तो कब फिर मौका मिलेगा नहीं बता सकते। बीज में हो जान तो किसान पहलवान, बीज में हो जान तो कपास पहलवान, कपास पहलवान तो खरीदार मेहरबान, खरीदार मेहरबान तो किसान धनवान। खेती नफ़े की होनी चाहिए, खेती पैसा देने वाली होनी चाहिए, संतोष देने वाली होनी चाहिए और समृद्धि लाने वाली होनी चाहिए। यह खेती भारत में हज़ारों सालों से हो रही थी, हमारा दावा है, कॉटन गुरु का दावा है, अब भी पॉसिबल है। भारत में बहुत से किसान ये कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी इस मिशन में साथ में आइए और चलिए हम एक नफ़े की खेती की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। सबको नए वर्ष के लिए शुभकामना, कॉटन गुरु का सादर नमस्कार।